जब तक आपने आरजेडी को धमका के रखना था आप रखे, और जब सरकार बन गई तो अब आप कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आप एस्टूलमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो बेईमान है, जो चोर है, आप उसको जेल भेजिए, मेरा उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो क्या विपक्ष में ही बेईमान चोर है, सत्ता पक्ष में सब दूध के धुले हैं? 33,000 करोड़ से आपने सरकार बदली महाराष्ट्र, 1,00,000 करोड़ से सरकार कांग्रेस की तोड़ दी आपने कर्नाटक, 65,000 करोड़ से सरकार तोड़ दी आपने मध्य प्रदेश, गोवा में आपने 30,000 करोड़ से सरकार आपने खरीद लिया कांग्रेस का, मणिपुर में मात्र 2 सीट आप एमएलए बने हैं, सरकार बना लिए, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप इतने दिनों से कहां थे? क्या सोचते हैं बिहार एक एक बिहारी बदला लेगा? हम इसके पक्ष में नहीं है, जो गलत है आप। और मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा, नीतीश जी, बिहार हमेशा मर्द होता है, हमेशा चैलेंज स्वीकार करता है। इसके जितने मंत्री का फाइल और चोरी किया है बीजेपी, आर्थिक अपराध के द्वारा उसको जेल में बंद करिए। अब वक्त आ गया है चुप नहीं बैठने का, आर पार लड़ाई लड़ने का, इन सबको जेल में ठूसने की जगह। यदि आज भी नीतीश कुमार जी चुप बैठ गए तो फिर नीतीश कुमार जी आपकी सरकार को और आपके लोगों को कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आप हिम्मत दिखाइए और जितने लोग जल नल योजना से सारी योजना में पैसा घोटाला किया है, बिहार के मंत्री एमएलए पर आर्थिक अपराध बैठा करके, यदि आज बिना पुलिस के वो रेड कर रहा है सीआरपी के बदौलत, और एक भी बिहार पुलिस नहीं, सबको अलग कर दिया गया, तो आप भी बिहार पुलिस और बीएमपी के द्वारा इन चोरों के घर पर रेड करके इनको जेल में ठूसिए। अब आप बिहार पर हमला कर, सर इससे जिंदगी मौत से, अब जिंदा रहने से बेहतर है कि मर जाना, जब पूरा का पूरा डेमोक्रेसी और इंसानियत खतरे में कर दे ईडी सीडी सीबीआई, तो सर उसके खिलाफ मेरा कहना साफ है, यदि लालू यादव जी के रेलवे विभाग में जब घपला हुआ था तो आप इतने दिन से सोए कहां थे? क्या आप केस को चुपचाप मजबूत कर रहे थे? क्या आपका कोई गुप्त समझौता था? आज लगातार कभी भोला यादव, कभी उनके राबड़ी देवी जी के पीए के यहाँ, लगातार मुगोला भाई सुनील सिंह के यहाँ, मेडिकल कॉलेज के यहाँ, भैया जी के यहाँ, दोनों मेडिकल कॉलेज, कई सारे एक्स एमएलसी, कई सारे विधायक, कई सारे भैया, आप आपके तरीका पर मेरा सवाल कि आज क्यों, मेरा ये सवाल, इतने वक्त आप कहाँ थे, मेरा ये सवाल। आप अपने तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सीबीआई ईडी और सब कुछ का? क्या अब कोई आवाज, कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा? क्या किसी को हिंदुस्तान में जनता के द्वारा चुनने का अधिकार खत्म हो गया? अब अदानी जी अंबानी जी के पैसे और सीबीआई ईडी तय करेगा कि सत्ता में कौन बैठेंगे? गरीब आदमी, अब मिडिल क्लास के लोग अब जिंदगी नहीं जी सकता? और यदि पूरा परिवार इन्वॉल्व है तो मेरा सीधा सवाल है कि 3 साल से आप कहां थे? 3 साल से आपने 2 केस में आपने, आपकी ईडी ने उनको छोड़ दिया, माफ किया, और कभी भी आपने चार्जशीट नहीं की। भोला यादव को 2.5 सालों तक, 2.5 सालों तक आपने नहीं पकड़ा। जो लोग बालू या जो पैसे हैं, आपको पता है कि कोई जमीन लिया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भोला यादव जी को आपने टॉर्चर किया, पैजामा कुर्ता पहन के बना के भोला यादव के कुर्ता में मूसा दे दिया, मूसा ये सीबीआई वाले, अब मूसा डाल करके भोला यादव से मुंह जबरदस्ती परेशान किया। और अब जब आज विश्वास मत है और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई,
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।